आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचुरल स्टेजर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कफ और वात इसके शमन के लिए उपयोग में आने वाली एक औषधि की चर्चा करेंगे। आप लोग ब्राह्मी कहते होंगे और जल नीम भी इसको हम कहते हैं। इसके सॉफ्ट स्टेम को भी आप देख पा रहे होंगे और इसके लगे हुए ये जो पत्ते होते हैं इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, इसलिए इसको हम जल नीम भी कहते हैं। और नीचे ये जो दिख रहा है नोड्स, यहाँ से इसमें फिर से डेवलपमेंट हो जाती है। नोड्स आप देखिए, नोड्स से रूट डेवलप हो जाती हैं। आप इनको ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा और नीचे डालेंगे और इसका फिर से यहाँ से रूट डेवलप हो जाएंगे। कटिंग के माध्यम से आसानी से हो जाता है। गमले में आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। बहुत महान औषधि है, ब्राह्मी इसको हम कहते हैं। कुछ लोग मंडूपर्णी को ही ब्राह्मी कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बैकोपा मोनियरी स्क्रोफोलेरेसी फैमिली का जो प्लांट है, इसी को ही ब्राह्मी कहना उचित होता है। जल नीम या ब्राह्मी इसको कहते हैं। पूरे प्लांट का औषधीय गुणों के लिए उपयोग में, पूरा प्लांट औषधीय गुणों के उपयोग में आता है। इसका आप जूस निकाल सकते हैं और उस जूस में शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। एक चम्मच जूस पर्याप्त होता है। साथियों, ये शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिविटी शो करता है। फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी के माध्यम से शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और होने वाली न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। दिमाग को रिलैक्स करता है, मेमोरी बढ़ाने का कार्य करता है, तनाव को दूर करता है, डिप्रेशन की समस्या हो उसको ठीक करता है। कई बार हाइपर एक्टिविटी के कारण हम लोग इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हम हाइपर एक्टिव रहते हैं और हमें दिमाग का और हमारे शरीर का जो संतुलन है बिगड़ जाता है। उसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसी अगर समस्या है तो उसको भी ये ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों, मिर्गी की समस्या है, उसके पेशेंट को भी आप 2 चम्मच जूस इसका निकाल कर, 2 चम्मच जूस आप इसका निकाल लीजिए, इसका 2 चम्मच जूस निकाल कर पिला सकते हैं। आसानी से ये रोगी को ठीक करता है, टॉक्सिन्स को निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। साथियों, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हुए लैक्सेटिव का कार्य करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, अग्निमांद की समस्या हो उसको भी ठीक करता है। कफ और वात इसकी और इससे जुड़ी हुई बहुत सारे डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी ठीक करने का कार्य करता है। लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग एक्टिविटी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल कई सारी हर्बल क्रीम्स इसके एक्सट्रैक्ट से तैयार की जा रही हैं, जो स्किन की रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए, और कई हर्बल शैम्पूज में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि झड़ते हुए बालों को ठीक करने के लिए, स्प्लेंडेंट्स की समस्या को दूर करने के लिए, ग्रे हेयर्स की समस्या को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये शरीर की जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने का भी कार्य करता है और शरीर के जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। कई बार मित्रों क्या होता है कि हार्ट अटैक के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर के समय, हार्ट के ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, शरीर में वीकनेस फील होती है, तो ऐसे रोगी को भी आप 1 चम्मच जूस दिन में इसका निकाल कर पिला सकते हैं। बहुत अच्छा ये कार्य करता है शरीर को ठीक करते हुए हर प्रकार के वाइटल ऑर्गन के लिए। अगर अस्थमा की समस्या हो, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, लीवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, किडनीज डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, हर्ट की समस्या को दूर करने के लिए, शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन की रामबाण औषधि है।
शरीर के वाइटल ऑर्गन को जब स्ट्रेंथ मिलती है, उनके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो लाइफ की लॉन्गेविटी भी बढ़ती है। अच्छे उपयोगों के लिए आप इसको ऑर्गेनिकली कल्टीवेट कीजिए, गमलों में आप इसको लगा सकते हैं। हमने भी आपको दिखाया कि लेबोरेटरी कंडीशन में लगाई हुई ब्राह्मी और इसके उपयोग आज हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, आजकल गर्मियों का मौसम है और बढ़ती हुई गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक की समस्या हो, पेट में गर्मी भी हो जाती है, तो उस सब को ठीक करने के लिए आप ब्राह्मी शरबत का उपयोग करें। आप इसकी कटिंग लेकर ऐसी 200 ग्राम इसकी कटिंग इकट्ठी करके और उसका आप डिकॉक्शन बना लीजिए। जब ये डिकॉक्शन बन जाता है तो उसके 2 गुना उसमें मिश्री डाल दीजिए और धीमी धीमी आंच पे इसको पकाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शरबत तैयार हो जाता है और उसको कांच के कंटेनर में आप भर लीजिए। तो आप, मैं आपको जैसे बताया, 200 ग्राम करीब आपके इसका ट्विग्स कलेक्ट करके इसका आप डिकॉक्शन बनाइए और डिकॉक्शन बनाने के बाद 400 ग्राम करीब इसमें मिश्री डालकर धीमी धीमी आंच पर जब आप पका लेंगे और जब 2 तार की चाशनी हो जाती है तो आप अपने गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस शरबत को आप स्टोर करके रख सकते हैं। मित्रों, इस प्लांट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल पोटेंशियल होता है और कई बार हमारे बाल उड़ जाते हैं, चाहे मानसिक तनाव के कारण या स्किन के ऊपर होने वाली किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपको तेल आप प्रिफर करते हों, चाहे सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो, तो 200 मिलीलीटर लेकर और इसमें करीब 50 ग्राम ये ट्विग्स डालकर धीमी धीमी आँच पर पकाइए, आपका तेल तैयार हो जाएगा। और इसको हम तेल सिद्ध करना भी कहते हैं। उसको छानकर अपने कांच के कंटेनर में आप रख लीजिए और आप धीरे धीरे अपने स्कैल्प की मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि आपके उड़े हुए बाल फिर से आ जाते हैं। और अगर आप इसका साथ साथ सेवन भी करते रहते हैं, इसका जूस निकाल कर, तो प्रभाव जल्दी आता है और आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे और हेल्दी भी हो जाते हैं। लस्ट्रस हेयर्स आपको प्राप्त होते हैं। वाइड एप्लीकेशन इस प्लांट का है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और टेलीफोनिक के लिए भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी को ज़रूर शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन सब जानकारियों से लाभान्वित हो सके। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।